हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द एक्वेरिस्ट वर्ल्ड एंड टुडेज योर टॉपिक इज सिक्लिड फिश स्पीसीज इन्फो। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो सिक्लिड फिश वैरायटी होती है अपने एक्वेरियम हॉबी में उसकी पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, हर चीज़ बताऊंगा सिक्लिड फिश के बारे में। तो सिक्लिड फिश वैरायटी होती है अपने एक्वेरियम हॉबी में, ये बहुत ज़्यादा फेमस होती है क्योंकि ये हर साइज में अवेलेबल होती है और हर टैंक के लिए अवेलेबल होती है। अगर आपको समझ लिए एक नैनो टैंक रखना है तो उसके लिए आप छोटी सिक्लिड फिश पाल सकते हैं। अगर आपको एक मीडियम साइज टैंक रखना है तो आप एक मीडियम साइज की सिक्लिड फिश पाल सकते हैं, और अगर आपको एक मॉन्स्टर टैंक रखना है तो आप एक बड़ी सिक्लिड फिश पाल सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं और इनका साइज़ भी अच्छा हो जाता है, और इनको जब फीड देते हैं तो भी बहुत मज़ा आता है क्योंकि इनको सिंगल इंच से अबाउट 15-20-30 इंच तक करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और कुछ कुछ छोटी भी होती हैं और कुछ कुछ बड़ी होती हैं। तो ये और जो ये फिश होती हैं सिक्लिड वैरायटी की, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव इन नेचर होती हैं, और इनको जो टेम्परेचर चाहिए रहता है वो हार्डी टेम्परेचर की फिशेज़ होती हैं, थोड़ा हार्ड टेम्परेचर चाहिए रहता है। और जो इनका एग्रेशन होता है उसके थ्रू ये अपने जो टैंक होता है एक्वेरियम का, जो एक्वेरियम होता है अपना, उसमें टेरिटरी बनाती हैं। वो टेरिटरी बनाने के कारण से अगर अपन उसमें दूसरी फिश बाद में ऐड करते हैं तो वो अपना एग्रेशन दिखाती हैं और दूसरी फिश को मारती हैं बहुत ज़्यादा। तो वैसे तो थोड़ा एग्रेशन रहता है इस चीज़ में, तो थोड़ा ड्रॉबैक है, लेकिन सच में उनको पेट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि मैं भी सिक्लिड्स बहुत सारी पेट कर चुका हूँ, अभी भी सिक्लिड वैरायटी पेट कर रहा हूँ बहुत सारी, तो सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे पता है आप लोग भी सिक्लिड ही पेट कर रहे होगे, तो आपको ये वाली वीडियो ज़रूर देखनी हो चाहिए, पूरी देखनी चाहिए एंड तक, तो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि सारे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, चैनल बेल आइकन भी दबा देना ताकि सबसे पहले एक्वेरियम से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मेरे चैनल के थ्रू मिले। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो सिक्लिड वैरायटी की फिशेज होती हैं उसको बेसिकली अपन चार कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले स्मॉल सिक्लिड्स, मीडियम साइज सिक्लिड, मॉन्स्टर सिक्लिड और हाइब्रिडाइज सिक्लिड। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मॉल सिक्लिड्स की। जो स्मॉल सिक्लिड्स होते हैं वो सिक्लिड फैमिली की वाली फिशेज हैं जिनका साइज स्मॉल होता है और जिनका टेम्परमेंट और नेचर टाइम पीरियड के हिसाब से चेंज नहीं होता। बेसिकली मैक्सिमम सिचुएशंस में इन वाली फिशेज को अबाउट जो सॉफ्ट फिशेज होती हैं उनका टैंक मेट जैसे रखते हैं, और कभी कभार तो प्लांटेड टैंक के लिए भी चूज़ करते हैं क्योंकि इनके छोटे साइज़ की वजह से ये दूसरी फिशेज़ को इतना ज़्यादा हार्म नहीं कर पाती हैं। और इनका जो वाटर कंडीशंस रहती हैं उनको फास्ट टू मीडियम वाटर फ्लो पसंद होता है, और जो पीएच प्रेफरेंस होता है इनका वो 6.5-7.5 होता है। और ये ओमनीवोरस होती हैं, तो इनको आप डाइट में श्रिम्प्स, वैरायटी ऑफ पैलेट्स, अच्छी क्वालिटी की वैरायटी ऑफ पैलेट्स, श्रिम्प्स, ब्रांच श्रिम्प्स, फ्लेक्स, एग और मीट भी दे सकते हैं कभी एक बार हफ्ते में एक दो बार। और स्मॉल साइज सिक्लिड कैटेगरी की फिशेस को अपन दो कैटेगरीज में और बांट सकते हैं, एक हार्ड टेम्परमेंट और एक लो टेम्परमेंट। तो जो हार्ड टेम्परमेंट फिशेस होती हैं उसको आप वैरायटी ऑफ वाटर कंडीशंस, टेम्परेचर, पीएच वैल्यू और लो डाइट पे भी रख सकते हैं, और उसमें आते हैं कुछ एग्जांपल्स उनके, कॉन्विक्ट, ज्वेल्स, इलेक्ट्रिक ब्लू अकारा, ककाटू सिक्लिड। और ये जो फिशेस होती हैं बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल इन नेचर होती हैं, तो बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाती हैं अपने टैंक मेट्स को। तो अगर आप इनको छोटा टैंक देंगे तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगी, और स्पेशली अगर उनके जो ब्रीडिंग सीजन होता है अगर उसमें आपने उनको छोटा टैंक दिया, मिनिमम 40 गैलन्स का टैंक तो देना ही, अगर आपने उससे छोटा दिया तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगी नेचर में। अब बात कर लेते हैं अपन जो लो टेम्परमेंट की होती हैं। तो जो लो टेम्परमेंट होती हैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फिशेस होती हैं, और इनको एज अ बिगिनर फिश अपन चूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनको ईजिली वाटर कंडीशंस हार्म कर जाती हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार भी पड़ जाती हैं। और इनमें जो फिशेस होती हैं ये इसमें होती हैं राम्स, शेल डोएलर्स, एंजल्स और जियोफिगर्स। अब बात कर लेते हैं मिडिल साइज सिक्लिड्स की। जो मिडिल साइज सिक्लिड फिश होती है सबसे ज़्यादा फेमस होती है अपनी सिक्लिड वैरायटी में, और अपने एक्वेरियम हॉबी में जो पेट करने वाली फिशेज होती हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा फेमस होती है क्योंकि ये हर कलर, प्राइस और अपीयरेंस में अवेलेबल होती है। और इसको भी अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जैसे कि अफ्रीकन सिक्लिड्स। जो अफ्रीकन सिक्लिड्स होते हैं एकदम सेपरेट कैटेगरी की फिशेज हैं, और इनको लोग जो होते हैं वो अलग ही पालना पसंद करते हैं, और ये हर कलर में अवेलेबल होती है, और कुल मिला के इसकी 1000 से भी ज़्यादा वेराइटीज़ होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ब्लू मूफ, ब्लू कडांगो, पाउडर ब्लू, बनाना, वीनस, डॉल्फिन, ऑरेंज ब्लड पीकॉक। ये वाली जो फिशेज होती हैं इनको जो वाटर फ्लो है वो फास्ट टू मीडियम वाटर फ्लो पसंद होता है, और ये ओमनीवोरस होती है, इनकी जो डाइट होती है वो ओमनीवोरस की होती है, एक ओमनीवोरस फिश की। और ये वाली जो फिशेज होती हैं एग्रेसिव इन नेचर होती हैं, लेकिन जब इनको एक मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रखा जाता है तो इनका जो एग्रेशन होता है वो कम हो जाता है। जेंटल मीडियम साइज सिक्लिड्स हैं उसमें फिशेज जैसे कि शिवराम, वॉलरू, डिस्कस ये आते हैं, और ये जो इनका टेम्परमेंट होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, और इनका साइज़ भी अच्छा खासा होता है, तो ये किसी भी फिश के साथ आराम से रह जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फिश होती हैं वाटर की कंडीशंस को लेके, तो अपन को वाटर की कंडीशंस बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करनी पड़ेगी, हर पैरामीटर बहुत अच्छे से चेक करना पड़ेगा उसका, एमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, पीएच वैल्यू, टेम्परेचर, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर ज़रा सा भी ऊपर नीचे होता है तो ये फिशेज़ बहुत ज़्यादा जल्दी बीमार पड़ जाती हैं,
और इनकी बहुत जल्दी डेथ भी हो जाती है। डिस्कस तो बहुत ज़्यादा डेलिकेट फिश है, उसकी तो बहुत जल्दी डेथ होती है, तो आपको वाटर पैरामीटर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर ज़रा से भी ऊपर नीचे होता है तो उसकी बहुत बहुत जल्दी डेथ होती है डिस्कस फिश की। और ये ओमनीवोरस फिश होती हैं और इनको जो वाटर फ्लो पसंद होता है वो मीडियम वाटर फ्लो पसंद होता है। अब बात कर लेते हैं एग्रेसिव मिडिल साइज सिकलेट्स की। फिशेज जैसे कि ऑस्कर, ग्रीन टेरर, टेक्सास, फायर माउथ, ये वाली जो फिशेज होती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। और अगर इन जो इनका टैंक मेट्स होते हैं अगर इनके साइज़ से थोड़े छोटे होते हैं और अगर इनका जो टैंक होता है वो साइज़ में छोटा होता है तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, अपने टैंक मेट्स को मारने लगते हैं। और इनको जो लोग होते हैं इनको एज आ पेट फिश पालते हैं, मतलब सिंगल फिश पालते हैं एक टैंक में। लेकिन अगर आपके पास एक बड़ा टैंक है तो आप इनको एज आ कम्युनिटी में भी पाल सकते हैं, जैसे कि मैंने रखी हुई हैं ऑस्कर्स और ये इतनी सारी फिशेस। और ये एग्रेसिव भी होती हैं नेचर में, क्योंकि आपने देखा होगा मेरी प्रीवियस वीडियोस में या इसी वीडियो में ये कभी पीछे लड़ रहे होंगे एक दूसरे से। ये जो मेरे कॉपर ऑस्कर है ये दोनों मेल हैं और ये जो एल्बाइनो है ये फीमेल है। तो ये जो कॉपर हैं ये दोनों बहुत ज़्यादा लड़ते हैं एल्बाइनो के पीछे, क्योंकि ऑस्कर फिशेस का नेचर होता है कि जो मेल होता है वो पहले लड़ता है और जो हार जाता है वो पीछे हट जाता है और जो जीतता है वो ब्रीड करता है फिर फीमेल के साथ। लेकिन ये दोनों सेम साइज़ के हैं और सेम टेम्परमेंट के हैं तो ये दोनों एक दूसरे से जीत ही नहीं पाते हैं और वो लड़ाई करते ही रहते हैं। आपने भी मेरी वीडियोस में देखा होगा बहुत बार ये लोग लड़ते हैं पीछे बहुत ज़्यादा। मुझे भी बहुत ज़्यादा बार रीटेक करना पड़ता है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा लड़ने लगते हैं क्योंकि। तो आप इससे भी देख सकते हैं कि इनका जो एग्रेशन होता है वो कितना ज़्यादा होता है। एक्चुअली ये जो मेरी एल्बाइनो ऑस्कर है इसका भी एग्रेशन बहुत है। ये जो स्टोन है ये एकदम फुल, मतलब बहुत पूरा ठोस स्टोन एकदम, और इसको ये मेरी एल्बाइनो ऑस्कर बहुत आराम से खिसका देती है अपने एग्रेशन के थ्रू, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस दिखाती है अपने। आपने देखा होगा मेरे जो एक्वेरियम है मैंने कोई भी डेकोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं रखा है इसमें, मैंने सिर्फ अपनी ऑस्कर्स की वजह से नहीं रखा है, क्योंकि मैं जब पहले डेकोरेशन करता था अपने एक्वेरियम में तो ये जो उसमें प्लांट्स वगैरह लगाता था जो आर्टिफिशियल प्लांट्स हो गए या कोई भी डेकोरेशन का सामान, तो मेरे ऑस्कर्स क्या करते थे उसको मुंह में रख के पूरे टैंक में घूमते थे यहाँ से वहाँ। तो मैंने उन सबको हटा दिया, फिर वो ऊपर तैरते रहते थे। तो मैंने पूरा सबको सारी डेकोरेशन हटा दी, सिंपली सब्सट्रेट और एक स्टोन रख दिया बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन के लिए थोड़ी बहुत, और मेरा सम तो है बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन के लिए। तो ये वाले जो मिडिल साइज एग्रेसिव सिकलेट्स होते हैं ये इनका जो डाइट होता है थोड़ा कार्निवोरस होता है, ये सेमी कार्निवोरस होते हैं, तो मीट और लाइफ फीड इनके में थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इनको हफ्ते में 2 से 3 बार मीट या लाइफ फीड ज़रूर दें, इनकी डाइट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ये साइज़ में भी अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हैं ये वाले जो मेरे ऑस्कर हैं ये फुल्ली ग्रोन ऑस्कर हैं, ये अबाउट 12 to 15 inches हैं, 12 to 15 inches के बीच में इनका साइज़ है। तो इनको एक बड़ा टैंक चाहिए रहेगा, अबाउट 100 gallon का टैंक चाहिए रहेगा, तो आप उनको थोड़ा बड़ा टैंक प्रोवाइड करें। मॉन्स्टर सिकलेट्स, मॉन्स्टर सिकलेट जो वैरायटी है सिकलेट फिशेस में वो सबसे ज़्यादा निगलेक्ट करने वाली सिकलेट्स हैं, क्योंकि इन जब इनको लाते हैं लोग तो छोटा साइज़ का लाते हैं शॉप से और इनको बड़ा करते हैं और वाइल्ड में रिलीज़ कर देते हैं या तो फिर एक छोटे टैंक में मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो अगर आप ये वाली सिकलेट्स रख रहे हैं तो ध्यान रखिए आपको मिनिमम 200 gallon का टैंक रखना होगा या तो उसके और ज़्यादा बड़ा ही रखना होगा, क्योंकि इनका जो साइज़ है सच में बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इनको छोटे टैंक में नहीं रखें, क्योंकि ये जो फिशेज होते हैं ये पॉन्ड या टैंक में पालने के लिए बनी होती हैं, इनको कभी भी एक्वेरियम में नहीं रखा जाता है। लेकिन अगर एक्वेरियम में रख रहे हैं तो एक बड़ा टैंक दीजिए उनको, 200 गैलन के ऊपर का ही टैंक दीजिए ताकि वो अच्छे से रह पाएँ, उसमें अच्छे से ट्राइव कर पाएँ। तो या तो फिर अगर मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उनको एक पॉन्ड या तो फिर एक टैंक दें रहने के लिए ताकि वो बहुत अच्छे से रह पाएँ। और ये जो फिशेज होती हैं ये कार्निवोरस होती हैं, तो पूरा कार्निवोरस डाइट लेती हैं, इनको कार्निवोरस पैलेट्स, मीट, लाइफ फिश, श्रिम्स, ड्राइड श्रिम्स, प्रॉन्स और ये सब दे सकते हैं, एकदम पूरी कार्निवोरस डाइट देना पड़ेगा अपन को इनको। और ये साइज़ में सच में बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, तो ये बात ज़रूर ध्यान में रख के ही उनको बाय करें दुकान से, अगर आप प्रिपेयर हैं उनको एक बड़ा टैंक देने के लिए या एक पॉइंट देने के लिए फ्यूचर में तभी बाय करें। और इनमें जो फिशेज़ आती हैं जैसे कि जैगुआर, वुल्फ, पीकॉक बैस, ओपन माउथ बैस, ये सारी फिशेज़ आती हैं और भी बहुत सारे वैरायटी की आती हैं और भी बहुत सारी हैं। लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखें अगर आप एक मॉन्स्टर सिकलेट फिश पाल रहे हैं तो उसको एक बहुत बड़ा टैंक या बहुत बड़ा पूल या एक बहुत बड़ा एक्वेरियम दें, क्योंकि अगर आप वो नहीं देंगे तो उसी छोटे से एक्वेरियम में रह के वो मर जाएंगी, 100% मर जाएंगी, या तो फिर आप उनको वाइल्ड में रिलीज़ कर देंगे। और वाइल्ड में रिलीज़ करना कोई भी एक्वेरियम की फ़िश बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, या तो वो मर जाती है या तो फिर वाइल्ड में जितनी भी और फिशेज रहती है वो उनको मार देती है, क्योंकि पीकॉक बैस हो गई, ओपन माउथ बैस हो गई, या सब जानते ही हैं कि कितने साइज़ में मैसिव हो जाते हैं, कितने ज़्यादा भयंकर प्रीडेटर्स रहते हैं ये किसी भी फिश को आराम से खा जाते हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए उसको लेने से पहले, अपने आप को पूरा प्रिपेयर ज़रूर कर लीजिए।
हाइब्रिडाइज्ड सिक्लेट फिश। अपने एक्वेरियम में हॉबी में बहुत सारी फिशेज ऐड हुई हैं नई, और भी नई ऐड हो रही हैं दिन पे दिन, और बहुत सारी तो क्रॉस ब्रीड करा के भी ऐड हो रही हैं। लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होता है वो एकदम अलग होता है, क्योंकि जो उससे अपन को फिश मिलती है वो तो ना तो ही अपन को कभी नेचुरल उसमें मिलेगी, और ना ही कभी नेचुरल में सर्वाइव कर पाएगी, कभी भी वाइल्ड में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो स्पेशली टैंक के लिए ही ब्रीड करी जाती है। स्पेशली उसके लिए जो ब्लड लाइन बनती है वो स्पेशली टैंक में ही एक्वेरियम में ही रखने के लिए ब्रीड करी जाती है, तो वो वाइल्ड में कभी भी सर्वाइव नहीं करेगी। इसलिए कभी भी उनको वाइल्ड में रिलीज ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर जब आप उनको वाइल्ड में रिलीज़ कर देंगे तो जो अदर फिशेज़ हैं उनसे वो लड़ेगी, और उनसे अगर वो लड़ेगी तो उसके अदर फिशेज़ के जो पैरासाइट्स हैं वो उसको हार्म कर जाएंगे और उसकी एंड टू एंड डेथ हो जाएगी वहाँ पर। तो कभी भी उनको वाइल्ड में रिलीज़ ना ही करें तो अच्छा है। इसमें कुछ फिशेज़ आती हैं जैसे कि फ्लावर हॉर्न, ब्लड पैरेट और डॉर्फ फॉस्कर्स, ये वाली फिशेज़ इस कैटेगरी में आती हैं। ये वाली फिश स्पेशली अपने एक्वेरियम के लिए बनी रहती है, उनके लिए जो फूड आता है वो भी एकदम स्पेशली अलग फूड आता है, जिसकी वजह से उनके जो फीचर्स हैं वो एनहेंस होते हैं, उनका कलर भी एनहेंस होता है, तो इसको कभी भी वाइल्ड में ना छोड़ें तो अच्छा है। और ये हॉबी में बहुत ज़्यादा फेमस फिशेस भी हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा पेट किया जाता है और इनकी बहुत ज़्यादा केयर भी करी जाती है, और जो इनका साइज़ होता है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो इनके लिए एक अच्छा टैंक साइज़ दें इनको, अबाउट 50 to 100 gallon का मिनिमम टैंक साइज़ ज़रूर दें, उसमें भी ये लोग हैप्पीली रहेंगे। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि सबसे पहले एक्वेरियम से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मेरे चैनल के थ्रू मिलें। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आई कार्ड पे एक पोल डाल दूंगा, वहाँ पे मुझे बताना है कि अगली स्पीशीज़ इन्फो की वीडियो आपको किसकी चाहिए, टेट्रास या गोरामी, इन दोनों में से किसकी आपको अगली स्पीशीज़ वीडियो चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, पसंद है तो लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और यार वीडियोस फैला दो, जितने भी हॉबिस्ट को जानते हो सबको दे दो, जो भी सिक्लेट्स फैन हो, जो भी सिक्लेट को रखता हो अपने एक्वेरियम्स में, उन सबको ये वाली वीडियो शेयर कर दो। सो फ्रेंड्स लाइक तो बनता है, अबाउट 200 लाइक का एम करते हैं इस बार अपन वीडियो में। सो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो, थैंक यू।